तो आप रोज बीड़ी या सिगरेट पीते हैं? एक बार नहीं, कई बार पीते हैं। कोई दिक्कत दिखती नहीं है आपको, इसलिए आप सुट्टे लगाते रहते हैं। लेकिन आपकी पत्नी या आपके माता पिता को लगता है कि सिगरेट या बीड़ी पीना बुरी बात होती है, और कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही मानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सब बातें नहीं करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि सिगरेट पीने से होता क्या है, और ये सच में जानलेवा है भी कि नहीं। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि एक सिगरेट के अंदर होता क्या है? तंबाकू है ना, बस। पर आपको पता है जब एक सिगरेट जलती है तो उसमें से करीब 7,000 केमिकल्स बाहर निकलते हैं, जिनमें से 250 के करीब हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनमें से करीब 50 केमिकल्स कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि वो आपके शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो मैं आपको इनमें से कुछ केमिकल्स के बारे में बताती हूँ। एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। एसिटिक एसिड, जो आपको हेयर डाई में भी मिल जाएगा। अमोनिया, जो घर की साफ सफाई और क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनिक, आपको चूहे मारने की दवाई में मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गाड़ी से निकलने वाले धुएं में होता है। और टार का नाम कैसे ना लूं, जो सड़क बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन केमिकल्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन स्मोक करने वाले की ज़िंदगी छोटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 60 लाख लोग तंबाकू के सेवन से मर जाते हैं, यानी कि हर 5 सेकेंड में एक मौत। अजीब बात है, हम पोल्यूशन से इतना दूर भागते हैं, पर सिगरेट के पोल्यूशन को खुद ही अपने अंदर डालते रहते हैं। सोचिए क्या हाल होता होगा हमारे शरीर का, जब उसके अंदर ये जहरीले केमिकल्स जाते होंगे। आप जानना चाहते हैं क्या होता है? तो जब भी आप कोई बीड़ी या सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेते हैं, तो वो आपके फेफड़ों में पहुंचता है, जहां से वो आपके खून में चला जाता है और खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। इसीलिए स्मोकिंग से एक नहीं, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़ों में बीमारी, शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपने निकोटीन का नाम सुना ही होगा, जो बीड़ी या सिगरेट में पाया जाता है। इसी निकोटीन की वजह से आपको सिगरेट या बीड़ी पीने की लत लगती है। निकोटीन के कारण आपके अंदर एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और बहुत से लोगों में जो तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे सुट्टा लगा के या चबा के, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है। आपको भी है? साथ ही साथ निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी आर्टरीज यानी रक्त धमनियों को चोट पहुंचा सकता है, और इसी चोट को ठीक करने के लिए वहां बहुत सारा प्लेग जमा हो जाता है, जिसके कारण रक्त के बहाव में दिक्कत आती है। आर्टरीज के इस तरह ब्लॉक हो जाने के कारण आपके दिल तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता, और आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जब सिगरेट का धुआं आपके फेफड़ों में जाता है, तो उसके केमिकल्स आपके फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं, जिसको बाहर निकालने के लिए आपके फेफड़ों में म्यूकस बनता है, जो आप खांस खांस के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन शरीर के अपने बचाव के बावजूद भी धीरे धीरे कुछ समय बाद उसके बचाव करने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये म्यूकस फेफड़ों में भरने लगता है और आगे जाके सांस लेने में दिक्कत का कारण बनता है। आप खुद ही सोच के देखिए कि आपके फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, ना कि धुआं और उसके जहरीले केमिकल्स। आप हर एक सुट्टे में अपने लंग्स में धुआं भरे जा रहे हैं, तो कैसे सही हालत में रहेंगे? एक ना एक दिन खराब हो ही जाएंगे। शायद आपके लिए इतना काफ़ी नहीं है, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ छोटी मोटी बातें, तो आपके लिए मेरे पास एक बड़ा धमाका भी है। आपने सिगरेट का डब्बा तो देखा ही होगा, जिसमें लिखा रहता है कि सिगरेट कॉजेज कैंसर, सिगरेट से कैंसर होता है। क्या लगता है कितनी सच्चाई है उस बात में? और ये लिखने के बाद भी क्यों लोग स्मोक करते रहते हैं? उनको पता नहीं है या फ़र्क नहीं पड़ता? आइए लोगों से ही पूछते हैं। तो ये बीड़ी या सिगरेट का सेवन करते हैं आप? सेवन करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो पैकेट है, जो आते हैं, उस पर लिखा रहता है कि तंबाकू हानिकारक है सेहत के लिए। सेहत के लिए गलत है। गलत है, तो इससे कैंसर भी हो सकता है। कैंसर भी हो सकता है। तो आप कितना इससे सहमत हैं? सिर्फ एक सुबह एक शाम को। भाई हमारा फोटो थाने पे लगा हुआ है, छूटता नहीं जल्दी, छोड़ने का तो कोशिश कर रहा हूँ। ये सेहत के लिए हानिकारक है?
जानते हैं आप, ठीक है, फिर भी आप पी रहे हैं। हानिकारक है ये तो सबको मालूम है कि हानिकारक तो है ही है, अब ये है कि जिसकी हैबिट बड़ी है, आदत डली हुई है, तो छूटना भी इतनी जल्दी आसान नहीं। तो आपने कोशिश की कभी छोड़ने की? कोशिश तो कई बार करी, पर अब ये है जब मार्केट में रहते हैं, किसी के साथ बैठते उठते, अब हमने तो कोशिश करी दूसरा करा, चल थोड़ा सा इसके चक्कर में भी। इसमें आपने सुना है कि कैंसर भी होता है इससे पीने से? हाँ बिल्कुल मानते हैं आप, कितना सच मानते हैं इस बात को? हम तो 80% मानते हैं, क्योंकि हम पीते हुए भी अभी इस चीज़ को आप इससे लगाते हैं। अच्छा सर। और इसका जो धुआं है, अब ये कपड़ा पूरा लाल हो जाए। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। ज्यादातर लोग जो स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर पाया जाता है, लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके पेट, मुंह, गले, खून और अन्य जगहों में भी कैंसर पैदा हो सकता है। लेकिन एक मिनट, आपको पता भी है कैंसर है क्या? तो जैसे एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंट से बनी होती है, उसी तरह हमारा शरीर भी छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। इन सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है जो इन सेल्स को चलाता है। डीएनए ही सेल्स को आदेश देता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। अगर कभी किसी सेल के डीएनए में कोई डैमेज हो जाए या कोई खराबी आ जाए, तो वो सेल एक खराब सेल का रूप ले लेता है। मतलब अगर डीएनए खराब हो जाए तो पूरा सेल ही खराब हो जाता है। ये खराब सेल्स, जिन्हें कैंसर सेल्स भी कहते हैं, लगातार विभाजित होते रहते हैं और इनकी संख्या बढ़ती रहती है। ये कैंसर सेल्स ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, और जब भी किसी अंग में ये कैंसर सेल्स बढ़ जाते हैं तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि तंबाकू में अलग अलग कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो सेल्स के डीएनए को खराब करके शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। वाह क्या लाइन है, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, खुद भी उड़ता चला गया, भाई आसपास वालों को भी उड़ाता चला गया। आपको पता है ना कि आपके इस धुएं से आपके आसपास के लोगों को भी परेशानी हो सकती है। जब भी आप स्मोक करते हैं तो उसका धुआं आपके आसपास के लोगों के अंदर भी जाता है, और इसे पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं। नुकसान सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बीवी, बच्चों और आसपास के लोगों को भी हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा, नहीं नहीं इतना कहाँ, तो आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 6 लाख लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण मर जाते हैं। मतलब स्मोकिंग की भी नहीं और उसके कारण मर गए, हद हद। तो अगर आपको अपनी फिक्र नहीं है तो अपने आसपास के लोगों के लिए, कम से कम जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने परिवार वाले लोगों के सामने आप स्मोक ना करें। और आप लोग जो स्मोक नहीं करते पर आपके आसपास कोई और धुआं उड़ाता रहता है, तो आप उनके सामने से कृपया उठकर चले जाएं। इससे सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास होगा और आप भी उस जहरीले धुएं से बच जाएंगे। तो आपको लगने लगा होगा कि सिगरेट पीना बुरी बात नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे से कहाँ होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये सच है कि तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन नामक केमिकल की वजह से स्मोकिंग एडिक्टिव है, यानी उसकी लत लग जाती है, और इसीलिए बहुत से लोगों के लिए सिगरेट बीड़ी छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन लाखों लोग सिगरेट बीड़ी छोड़ पाए हैं, अपनी ज़िंदगी में उसके फ़ायदे देख पाए हैं, और आपके लिए भी ये मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लें तो। तो एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए भी, क्या आप भी सिगरेट या बीड़ी छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वो लोग जो सिगरेट या बीड़ी से मुक्त हो पाए हैं, आप हमें ज़रूर बताएं कि आप ऐसा कैसे कर पाए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या पता आपके एक्सपीरियंस से किसी और को मदद मिल जाए, है ना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने स्मोक करने वाले दोस्तों या जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।